हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर इक्विलिब्रियम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज प्रिडक्शन या प्रिडक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शंस कितनी स्पीड से जो है अक्कर हो रही है, ठीक है, मीन्स उसकी जो स्पीड है कितनी स्पीड से वो प्रोग्रेस कर रही है वो देखना है आपको। तो इसमें जो वैल्यू बेटा, इसमें तीन केसेस हैं। केस नंबर वन, अगर k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10^3 है, इट मीन्स ये जो रिएक्शन है दैट विल गो टू नियरली कंप्लीशन, मीन्स कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। इफ द k वैल्यू इज लेस देन 10^-3, देन इट मीन्स रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट, मीन्स द रिएक्शन अक्कर रेयरली। तो रिएक्शन जो होती है वो रेयरली अक्कर करती है। Now, if the k value that lies 10^3 to 10^-3, then considerable amount of both reactant and product both are present. ठीक है, it means reactant and product दोनों के दोनों यहाँ पे present है, okay? Now, we can say that अगर हमारी k की value ज़्यादा है तो इट मीन्स रिएक्शन विल गिव, के की वैल्यू अगर ज्यादा है बेटा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। ओके, नाउ आज हम डिस्कस करते हैं बेटा सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज प्रिडक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ओके, देखो बेटा इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिडक्टिंग द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन विल प्रोग्रेस एट एनी स्टेज। ओके, इसमें बेटा हमारे पास एक क्या होता है, रिएक्शन क्यूशेंट होता है। रिएक्शन क्यूशेंट क्या होता है, रिएक्शन क्यूशेंट इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट स्पीसीज टू द रिएक्टेंट स्पीसीज एट एनी स्टेज। ओके, तो इसमें हम सपोज एक एग्जांपल देते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं। दिस इज द रिएक्शन बेटा, ए ए प्लस बी बी एरो साइन, दिस इज सी सी प्लस डी सी। तो रिएक्शन क्यूसेंट क्या है बेटा, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मींस दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड दिस इज द पावर, दिस इज क्यूसेंट, इन टू कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। ओके, अब रिएक्शन क्यूसेंट जो होता है बेटा क्यूशी दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द कंसंट्रेशन इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर और पार्शियल प्रेशर। या तो हम इसकी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में ले लेते हैं या पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन क्यूसेंट हम क्या प्रिडक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है। देखो कैसे, हम केस नंबर वन लेते हैं, अगर हमारा रिएक्शन क्यूसेंट क्यू सी किसके इक्वल होता है बेटा, के सी के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू पी मीन्स पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के पी, ये लिख सकते हैं। देन इस केस में हम क्या कहेंगे बेटा कि रिएक्शंस दैट इज इन इक्विलिब्रियम मींस नो नेट रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम केस नंबर टू लेते हैं, इफ द क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्यू पी इज ग्रेटर देन के पी, इट मीन्स रिएक्शन मूव्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में मूव करेगी। ओके, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, इट मीन्स द रिएक्शन दैट प्रेजेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ इन द थर्ड केस, थर्ड केस क्या है बेटा,
इफ द क्यू सी इज लेस देन के सी, और यू कैन से दैट क्यू पी इज लेस देन के पी, देन द रिएक्शन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. हमारी रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, लेफ्ट से राइट जा रही है, इट मीन्स रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, नाउ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू एंड गिब्स एनर्जी जी. ओके, तो इसमें क्या कहते हैं बेटा, जो गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इन दोनों की क्या रिलेशन है. देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग ऑफ क्यू सी, यही होता है बेटा. अब डेल्टा जी नॉट क्या है बेटा, दिस इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. ओके, अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है और क्यू सी की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, के सी के इक्वल होती है. ओके, तो इट मीन्स डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के पी, यह आ जाएगा बेटा. अब एल एन के किसके इक्वल होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय आर टी, ये आ जाएगा बेटा. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड क्या लेंगे बेटा, दोनों साइड हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. अब हम इसमें लॉग लेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, एल एन के है तो नेचुरल लॉग लेंगे, दिस इज इक्वल टू के. यहाँ पे बेटा ये इसको लॉग की फॉर्म में लेंगे, ये बनेगा e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी. ओके, सो दिस इक्वेशन हेल्प इन प्रिडक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन. ओके, दिस हेल्प इन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन. अब बेटा इसमें दो केसेस आते हैं. अब केस नंबर वन, हम ये कह सकते हैं इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो, इट मीन्स माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी दैट विल बी पॉजिटिव. ओके, मीन्स ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी दैट इज ग्रेटर देन वन. ओके, इट मीन्स के वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन. ओके, इसका मतलब ये है बेटा कि जो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियसली हो रही है दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट. ओके, नाउ हम केस नंबर सेकंड लेते हैं. केस नंबर सेकंड क्या होता है बेटा, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी दैट इज इक्वल टू माइनस, मीन्स नेगेटिव की इक्वल होती है. इट मीन्स ये इसका अपोजिट आ जाएगा बेटा, ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी दैट इज लेस देन वन, वन से कम होता है. इट मीन्स के वैल्यू इज लेस देन वन. ओके बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कैसी रिएक्शन है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस. और यहां हमारी कौन सी रिएक्शन थी बेटा, स्पॉन्टेनियस. ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, बट स्पॉन्टेनियस इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा कैसी हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके, इट मीन्स वी कैन सी दैट द रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट और द रिएक्शन अकर रेयरली. ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम.
देखो बेटा, इसमें जो आपके मेन फैक्टर होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन कंसंट्रेशन, फैक्टर नंबर वन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकेंड डिपेंड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड बेटा इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रेशर, एंड फोर्थ डिपेंड ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ओके, एंड फिफ्थ इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये बेटा आपके फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं इक्विलिब्रियम पे, ओके। नाउ जो जो भी यहाँ से जो इफेक्ट ऑफ चेंज आता है इन सभी फैक्टर्स में, उसको कौन डिसाइड करता है? ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ली चार्टलियर प्रिंसिपल। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर, इनमें से कोई भी फैक्टर जो होता है दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कौन सी कंडीशन है बेटा, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ओके, कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है किसी भी सिस्टम की, ओके, देन द सिस्टम विल मूव इन सच अ डायरेक्शन सो दैट द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज रिड्यूस्ड, और यू कैन से दैट न्यूलीफाइड, ओके। मीन्स अगर इनमें से कोई भी फैक्टर के अंदर चेंज आ जाता है, इट मीन्स हमारा जो सिस्टम होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा जहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स रिड्यूस होगा या न्यूलीफाइड हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओके बेटा। तो देखो, ये जो लॉ है दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है बेटा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटा, फर्स्ट इसका इफेक्ट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जो स्ट्रेस होती है, दैट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज रिलीव्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ नेट रिएक्शन इन सच अ डायरेक्शन वेयर द एडेड सब्जेक्ट इज एडेड सब्सटेंस इज कंज्यूम्ड, ओके। तो इसमें हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जो बेटा ऐड होती रहती है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे हमारे एडेड सब्सटेंस कंज्यूम किए जाएंगे। सेकेंड इसने ये बताया कि जो कंसंट्रेशन स्ट्रेस होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, कंसंट्रेशन स्ट्रेस इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिएक्शन is relieved by shifting of net reaction in that direction where the removed substance is replaced, ठीक है। जहाँ पे means इसका effect कैसा हो जाता है बेटा, nullified हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि concentration of reactant or product that shift the direction in such a way in which the effect of change is nullified or reduced, ओके। जहाँ पे इसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा उसी में क्या आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो ये दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है बेटा। देखो, एक तो क्या हो सकता है, या तो एडिशन हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, या फिर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमूव हो जाए। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो कंसंट्रेशन को। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। देखो बेटा, इसमें क्या है, जो प्रेशर चेंज है उसको आप कैसे अचीव करते हो, जब उसकी वॉल्यूम चेंज होगी सिस्टम की,
ठीक है, तभी क्या होगा, वो गैसियस रिएक्शन पे इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बट ये इफेक्ट जो होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड के केस में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो इफेक्ट। ओके, जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की दैट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। अब लिक्विड की वॉल्यूम कभी भी डिपेंड नहीं करती प्रेशर पे, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर दैट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस और प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मीन्स जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या मोल्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तभी इक्विली तब जो है प्रेशर उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। ओके, नाउ बेटा अब हम कह सकते हैं, देखो कैसे, कि ये क्यों होता है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दैट विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो हमारा अगर नंबर ऑफ मोल्स जहां कम हो रहे हैं वहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये छोटी सी बात आपको लर्न करनी है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट देखो, अब ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मींस प्रोडक्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी डिक्रीज, प्रोडक्ट की वॉल्यूम घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट मींस क्यू की वैल्यू, क्यू सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मींस वी कैन से दैट हमें इक्विलिब्रियम को री अचीव करना है तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो ये करना है। नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस एडिशन। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो इनर्ट गैस होती है दैट कैन बी एडिड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर अंडर द टू कंडीशंस। यहाँ पे दो कंडीशन होती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक तो हम लेते हैं बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, और दूसरी कंडीशन हम लेते हैं बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले हम वॉल्यूम का करते हैं, ठीक है। कोई भी इनर्ट गैस अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या आप बता सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है अगर हमारे पास तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड। रीजन बताओ क्या है, ये क्यों होगा बेटा, देखो बिकॉज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पार्शियल प्रेशर ऑफ मोलर कंसनट्रेशन, पार्शियल प्रेशर कह सकते हो या मोलर कंसनट्रेशन कह सकते हो, या तो कंसनट्रेशन ले लो या आप पार्शियल प्रेशर कह सकते हो, पार्शियल प्रेशर। ये क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का ये अनचेंज हो जाएगा, ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, अनचेंज रहेंगे। अगर ये अनचेंज है इट मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आपका इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा। बट अगर हम सेकंड केस लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं बेटा तो देखो क्या होता है, इफ द इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस मींस एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो वॉल्यूम हमारी क्या होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ द प्रोसेस दैट विल बी इंक्रीजेस, ओके, एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। इट मींस ये वहां पे शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। ओके बेटा, नाउ द फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज।
मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी, केसी पे डायरेक्टली अफेक्ट डालता है, क्योंकि बेटा क्यों डालता है देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट मीन्स टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है ओके, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पे हीट क्या होगी बेटा एब्जॉर्ब होगी, उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। और अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन वेयर द हीट इज रिलीज, जहां पे हीट क्या होगी बेटा रिलीज होगी ओके। अब देखो मैं दो केस लेती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे दो कंडीशंस कौन सी है बेटा, हम फर्स्ट केस हम यहाँ पे लेते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स हीट, सॉरी एक्सो मीन्स रिलीज, थर्मिक मीन्स हीट, जहाँ से हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो आपका आता है के सी, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट विल बी डिक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, एंड ये एक ऐसी वैल्यू बन जाएगी, मीन्स हम कह सकते हैं इट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ओके। लेकिन अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें डेल्टा एच क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स ले रहे हैं हीट को ठीक है, मीन्स द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट के सी इज इंक्रीजेस, तो के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ओके ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो बेटा इसमें कैसे है, कैटलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट क्या होता है जो अपनी रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करता है वही होता है, मींस एक कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है ठीक है, क्योंकि वो एक नया पाथवे बनाता है जहाँ पे उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा वो लो होती है ठीक है, तो इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस टू द सेम एक्सटेंट, मीन्स कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बट रिएक्शंस पे इफेक्ट, उसके रिएक्शंस के रेट पे इफेक्ट डालता है ठीक है, वो या तो इंक्रीज, कैटलिस्ट क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है ठीक है, बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओके ये आ जाएगा बेटा कर लोगे, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन लेस टाइम, कम टाइम में ही हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, देखो बेटा इस केस में क्या है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, फर्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एच आई, पॉइंट नंबर 1, जब हम एच आई को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एच आई, देखो बेटा कैसे बनता है एच आई, एच टू प्लस आई टू दैट गिव राइज टू 2HI, यही बनता है बेटा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो किन कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे कंडीशन देखो बेटा क्या होती है, फर्स्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हमारी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए किसकी बेटा, एच टू और आई टू की ओके। सेकेंड हम ये कह सकते हैं अनअफेक्टेड बाय
अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज, बाय द प्रेशर चेंज. ओके बेटा, नाउ पॉइंट नंबर थ्री, लो रिएक्शन टेम्परेचर. लो रिएक्शन टेम्परेचर, ओके, मीन्स लो रिएक्शन टेम्परेचर का मतलब क्या है? ये रिएक्शन कैसे है बेटा? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक. एंड फोर्थ इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. ओके, इनर्ट गैस का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देते बेटा हैबर प्रोसेस का. इसी रिएक्शन को आपको देख के बताना है इसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा. देखो बेटा, इसमें मैं पहले बोलती हूँ, H2+I2 2HI बनाया. कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? जब हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन हाई होगी तभी हमारा प्रोडक्ट फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एक्शन में तभी मूव करेगा. सेकेंड बेटा प्रेशर चेंज पे अनअफेक्टेड कैसे हुई? क्योंकि बेटा प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होते हैं. तो देखो बेटा, यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 1 और 1 2, यहाँ पे 2 मोल्स हैं बेटा. और यहाँ कितने हैं? 2 मोल्स. इट मीन्स दोनों ही साइड इक्वल मोल्स हैं. इट मीन्स दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर, मीन्स नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज. एंड थर्ड में हम कह सकते हैं, अगर बेटा हमारे पास लो रिएक्शन टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो है, इट मीन्स यहाँ पे हीट क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है. एंड फोर्थ इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, मीन्स इनर्ट गैस की कोई एडिशन नहीं है, मीन्स नो अफेक्ट ऑन ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हैबर प्रोसेस. हैबर्स प्रोसेस में देखो बेटा क्या है, हैबर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. ओके, ये है बेटा. तो इसमें देखो बेटा क्या है, N2